हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी के बारे में। देखिए आज काफ़ी बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिली है इसमें, तो इसके पीछे के रीज़न समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अगर आप इसके शेयर होल्डर हो वो समझेंगे, स्विंग ट्रेड का क्या लेवल बन रहा है, कहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं वो समझेंगे, काफ़ी कुछ है। लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेड करना है तो कहाँ का क्या प्राइस हो सकता है टारगेट वो भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाटा पावर के बारे में जानेंगे, टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक्स मिल जाते हैं, एक एंजल ब्रोकिंग का एंड आप स्टॉक्स का। इन दोनों लिंक के थ्रू किसी में भी अगर आप किसी भी ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो हम आपको अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको काफ़ी अपडेट्स हमारे तरफ से मिलते हैं टाइम टू टाइम। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आज का भाव, क्योंकि भाव ही भगवान है, और ओपन होता है टाटा पावर 108 रुपये 40 पैसे पे, लो है 107 रुपये का, और वहीं अगर हाई की बात करें तो 114 रुपये 50 पैसे। एक बार 15 मिनट की चार्ट लगाएंगे और सबसे पहले हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। देखिए आज हमने अपने जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको, हमने स्टॉक वाले मेंबर्स उनको टाटा पावर हमने बाइंग दिया था और हमने कहा था कि 114 रुपये के पे स्टॉप, 114 रुपये आपको टारगेट बुक कर लेना है एनी हाउ। तो बाज़ार में थोड़ी सी नरमी रही, उसके बाद एक बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली और यहाँ पर आप अगर देखोगे तो 113 रुपये 90 पैसे के लेवल को भी टच किया। पहले स्टार्टिंग बहुत हाई रेटों पे हुआ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे फिर गिरावट भी आया। तो 114 रुपये के ऊपर हमने क्यों कहा कि 114 रुपये के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तभी और ऊपर का टारगेट मिलेगा। तो देखिए आज मैं सबसे पहले चार्ट पे चर्चा कर रहा हूँ, कभी मैं करता नहीं। ये लेवल आप देखिए, यहाँ पर 114 रुपये पे ही रजिस्टेंस बना के, रजिस्टेंस लेकर नीचे कहाँ तक आ गया था आप देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो 103-104 रुपये तक आपको नज़र आ गया था, फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश की लेकिन 114 को कभी ब्रेक नहीं किया। और आज 114 को अगर ब्रेक करता और सस्टेन करता तो ज़रूर हमें बड़े लेवल्स देखने को मिल जाते। न्यूज़ की चर्चा करेंगे, उसके बाद थोड़ी फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। तो न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप सबको पता है यहाँ पर एक न्यूज़, एक राउटर्स के जरिए न्यूज़ निकल के आया था, यानी कि अफवाह उड़ती हुई आई थी कि भैया टाटा पावर और टेस्ला में पार्टनरशिप होगा। टेस्ला जो है टाटा पावर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है उनके साथ कि जो भी महाराष्ट्र के अंदर ईवी पावर स्टेशंस बनने हैं, चार्जिंग स्टेशंस बनने हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलने वाला है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे तो यहां पे क्लैरिफाई करते हुए टाटा पावर ने कहा है, टाटा सन्स ने कहा है, टाटा सन्स पावर जनरेशन यूनिट टाटा पावर ऑन फ्राइडे क्लैरिफाइड दैट नो अरेंजमेंट और एग्रीमेंट हैव बीन फाइनलाइज्ड विद टेस्ला फॉर सेटिंग अप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंफ्रा यूनिट इन इंडिया एज रिपोर्टेड इन द मीडिया। देखिए मीडिया में जो रिपोर्ट किया गया था वो हम नहीं कह रहे कि अफवाह है क्या, लेकिन अभी तक उस पर कोई बातचीत या कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। और ऐसे अगर हम बात करें तो एक बार टाटा मोटर में भी हमें ऐसी बातें देखने को मिली थी और इसको भी टाटा मोटर ने नकारते हुए सामने नज़र आया था। यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको मैं एक फैक्ट वाली बातें अगर बोलूँ, देखिए टाटा मोटर जो है वो खुद टाटा सन्स की कंपनी है और वो खुद काम कर रहा है, खुद इसके ऊपर बना रहा है, टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहा है, तो वो क्यों अपने कंपटीटर का सपोर्ट करेगा। मेरे हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला और टाटा पावर का हो सकता है मतलब यहाँ पर जॉइंट वेंचर या फिर कुछ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या उनके लिए काम करना, क्योंकि ये तो यार खुद अपना अपने काम कर रहा है ना, खुद उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल निकालने नेक्सन है और कितने सारे आपको। तो यहाँ मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कोई सपोर्ट करेगा टाटा पावर टेस्ला का। आपको क्या लगता है ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या टाटा पावर और टेस्ला का या टाटा मोटर और टेस्ला कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि होना चाहिए या होगा जॉइंट वेंचर या फिर उसका हेल्प करे टेस्ला का कुछ। मुझे तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं लगता हुआ नज़र आ रहा है, फिर भी एक बार हम इसके फंडामेंटल पर नज़र दौड़ाएंगे। मार्केट कैप अगर देखें तो 36,170 करोड़ का मार्केट कैप है, 113 रुपये का कल का भाव नज़र आ रहा है, और वहीं हाई और लो देखें तो 114 रुपये अपना लाइफ टाइम हाई और 27 रुपये का लो नज़र आ रहा है। अभी लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, यानी कि एक वन ईयर का हाई।
स्टॉक का पी भी 39 का है, बुक वैल्यू 68 का है, वहीं 1.37% का डिविडेंड यील्ड निकल के आता है। आरओसी की बात करें, आरओई की बात करें, तो आरओसी 7.5% और आरओई 1.5% के अराउंड नज़र आ जाता है। वहीं फेस वैल्यू 1 रुपये है। देखिए स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर को चला है, तो काफ़ी दूर तक जाएगा ऐसा नज़र आ रहा है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, यहाँ पर बढ़िया डिविडेंड यहाँ पर देता है, ये समझ में आ रहा है। बाकी कई सारे कॉन्स भी हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। अब यहाँ पर मैं बात करूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो देखिए यहाँ पर नंबर्स आपको यहाँ पर थोड़े से बढ़िया नज़र आए थे, फिर यहाँ पर थोड़े से डावाडोल होते हुए नज़र आए। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूँ तो अब तकरीबन ठीक ठाक सा ही है, 280 करोड़, 248 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो आपको बढ़िया जंप देखने को मिल जाता है। बैलेंस शीट कंपनी के पास रिजर्व अच्छा है, कंपनी पे थोड़ा बहुत बोरिंग है, कर्जे हैं यहाँ पे कंपनी पे 44,000 करोड़ के आसपास का, और वहीं पे अगर देखें 21,000 करोड़ का इनके पास कैश रिजर्व भी पड़ा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाए हैं, और 46% पे 46-47% प्रमोटर्स के पास, FIs के पास 12%, DIIs के पास 23%, और वहीं पब्लिक के पास अगर देखते हैं तो सिर्फ मात्र 16% की होल्डिंग नज़र आ जाती है। इस 16% में मैं भी 16% का हिस्सा हूँ, क्या आप इस 16% का हिस्सा हो? ज़रूर नीचे कमेंट बताइए आपके पास किस भाव से होल्ड है और कितना होल्ड है, कितनी देर तक आपकी तैयारी है इसको रखने की। तो चार्ट पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है, अगर लंबे समय के लिए हम बाय करना चाहते हैं तो एक डिप में हम खरीदारी कर सकते हैं। अगर स्विंग ट्रेड इसमें लेना चाहते हैं भैया 114 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग दे दे आँख बंद करके ले लेना, 122-123 का टारगेट आपको बहुत आराम से लगता हुआ नज़र आ जाएगा। होप करता हूँ भैया वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो बढ़िया लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट्स आप मिस कर देते हो। वैसे तो हम अपने व्हाट्सएप पे भी काफ़ी रेगुलर अपना अपडेट वगैरह डालते रहते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप अगर चाहो तो मैं आपको ओपन करके दिखा सकता हूँ। आज भी हमने सुबह मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में कॉल में बाइंग कराई थी, और हमारा छोटा सा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और फिर हमने पुट्टे बाइंग करवाई तो पुट में हमारा बढ़िया प्रॉफिट नज़र आ गया। वहीं हमने कल अगर आप बात करो तो BHEL का हमने भेल का कॉल बाय करवाया था 55 रुपये वाला, और मैं अगर आपको भेल का प्राइस दिखाऊं आज तो मैं एक बार लगाऊंगा और आपको समझ में आएगा ये भेल, और मैं 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाया हूँ तो आप देखिए, आप खुद देखोगे किस तरह से आज ऊपर खुला था ये। अगर मैं कब का ये 22 तारीख, ये 15 मिनट का ही चार्ट है ना, हाँ, तो 12 तारीख ये हो गया, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा टाइम निकाल रहा हूँ। हाँ ये देखिए देखिए कल ही हमने खरीदवाया था ये 3 रुपये पर खरीदवाया था, और आज 3.95 रुपये का हाई बनाया, और हमने हाई पे ही इसको एग्जिट करवाया 55 रुपये वाले कॉल को, 56.30 रुपये का हाई बनाया है, ठीक है ना। होप करता हूँ भैया वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।